नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी स्वयं की चैनल चकली विद नॉलेज में मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों ही टॉपिक बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसीलिए हमारे रिटेन इंटरव्यू, GD और RBI डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों रेट से क्या होता है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो शुरू करते हैं हम रेपो रेट से, उसके बाद हम जानेंगे रिवर्स रेपो रेट को। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन कि रेपो रेट आखिर है क्या, व्हाट इज रेपो रेट। सो द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम द RBI, वह रेट जिस पर बैंक RBI यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उससे उधार लेता है, उस रेट को रेपो रेट बोलते हैं। अगर आपको लोन लेना होता है आप क्या करते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, लेकिन जब बैंक्स को उधार लेना होता है बैंक क्या करता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। जिस तरह से बैंक्स आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को फंड दे देता है और रेपो रेट चार्ज करता है, यही रेपो रेट है। अगला प्रश्न है व्हाई बैंक बोरोज, बैंक्स उधार क्यों लेते हैं। दोस्तों हम उधार क्यों लेते हैं, जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, घर बनाते हैं, पैसा कम पड़ जाता है यानी कि शॉर्टेज ऑफ फंड होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं। उसी तरह जब शॉर्टेज ऑफ फंड बैंक के पास होता है बैंक्स क्या करता है, RBI के पास जाता है और रेपो रेट पर RBI से पैसा उधार ले लेता है। नेक्स्ट रिडक्शन इन द रेपो रेट, जब रिडक्शन होगा, जब कमी होगी रेपो रेट में तो क्या होगा। हमारे केस में क्या होता है, जब भी कमी होती है तो हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें ब्याज कम देना पड़ता है यानी कि हमें लोन सस्ता मिल रहा है। वही यहाँ होता है, जब भी रेपो रेट सस्ता होगा तो बैंक्स को कम इंटरेस्ट पर पैसा मिल जाएगा। ओके, सो बैंक्स विल गेट मनी एट अ चीपर रेट इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ रेपो रेट। नेक्स्ट, अगर इंक्रीज होगा रेपो रेट में तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द रेपो रेट। बोरोइंग फ्रॉम RBI बिकम्स एक्सपेंसिव, इसका मतलब क्या है कि अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक्स को क्या है, जो भी पैसा वो RBI से रेपो रेट पर उधार ले रहे हैं क्योंकि उसका रेट बढ़ चुका है, उनको इंटरेस्ट बैंक को RBI को जो सेंट्रल बैंक है उसको ज़्यादा अदा करना पड़ेगा यानी कि लोन उसको महंगा पड़ रहा है, बैंक्स को थोड़ा नुकसान होगा। वाई इंक्रीज, RBI ऐसा क्यों करता है, वो इंक्रीज क्यों करता है या डिक्रीज क्यों करता है, ऐसे डिसीजंस RBI क्यों लेता है। दोस्तों इसके पीछे रीजन है, इंक्रीज करने के पीछे रीजन है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो महंगाई दर है जब बढ़ने लगती है, जब RBI को लगता है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए तो RBI क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि जो बैंक्स को फंड्स है वो महंगा मिलेगा। अगर बैंक को फंड महंगा मिलेगा तो बैंक्स क्या करेंगे, आपको लोन महंगा देंगे, कंज्यूमर्स को लोन महंगा देंगे और कंज्यूमर्स को लोन महंगा मिलेगा तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, कम लोन लेना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हाउसिंग लोन 8% पे मिल रहा है तो ज़्यादा लोग लेंगे, अगर 10% पे मिल रहा है तो उससे थोड़े कम लोग लेंगे लोन और वो क्या करेंगे, अपना पैसा डिपॉजिट में रखेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब भी रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर्स को लोन महंगा मिल रहा है, फिर क्या होता है कि उनके पास जो कैश है, जो मनी है वो कम रहता है खर्चा करने के लिए, और जब खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो खर्चा कम करेंगे और जो महंगाई है वो नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, RBI रेपो रेट को बढ़ा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, यही रीज़न है दोस्तों कि RBI रेपो रेट को बढ़ाती है। दूसरा क्या होगा असर इससे, अगर पैसा लोगों के पास नहीं होगा, लोन नहीं मिलेगा, नए प्रोजेक्ट्स कम लगेंगे तो ग्रोथ कम होगी, क्या होगा, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि डिक्रीज के केस में क्या होगा, अगर रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो क्या होगा और कब होगा, RBI ये डिसीजन कब लेगी।
देखिए दोस्तों, आरबीआई का जो पर्पज है वो ये है कि महंगाई ज्यादा ना बढ़े, महंगाई का प्रेशर ना रहे और ग्रोथ भी साथ साथ देश की बनी रहे। जो हमारा ग्रोथ है, इकोनॉमी है, वो हमेशा ग्रो करता रहे। तो आरबीआई क्या करता है, जब भी जो इन्फ्लेशन होता है वो रेट कम होता है, जैसे वो महसूस करता है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर ज्यादा नहीं है महंगाई का, वो रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है, उसको डाउन कर देता है। जब डाउन करेगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि बैंक्स उनको सस्ते रेट पे लोन देंगे। उससे क्या होगा, इकोनॉमी का जो है ग्रोथ होगा जो कि देश के लिए फेवरेबल है। तो जब भी कंट्रोल में होता है इन्फ्लेशन, आरबीआई रेपो रेट को डाउन कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये टर्म भी बहुत आता है एग्जाम्स में, रेपो रेट भी पूछा जाता है, साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी पूछा जाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, अपोजिट है यार, जो हमारा रेपो रेट है बिल्कुल उसका उल्टा, अपोजिट ऑफ रेपो रेट। डेफिनेशन कैसे, रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक्स। यहाँ दो डॉट डॉट लग गए हैं, दैट्स अ टाइपिंग मिस्टेक ओनली, डोंट वरी। देखिए तो क्या है, जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, यानी कि उल्टा हो रहा है, यहाँ आरबीआई बैंक से उधार ले रहा है, इस केस में आरबीआई क्या करेगा कि बैंक को एक इंटरेस्ट अदा करेगा। जो बैंक को इंटरेस्ट आरबीआई अदा करेगा, वही रेट जिस रेट पर पैसा आरबीआई बैंकों से उधार ले रहा है, उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। ओके, सो द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक इज द रिवर्स रेपो रेट। इसका यूज, यूज ऑफ रिवर्स रेपो रेट क्यों यूज करता है आरबीआई, ऐसा क्यों करता है। आरबीआई यूजेस दिस टूल व्हेन आरबीआई फील्स दैट देयर इज टू मच मनी फ्लोटिंग इन द बैंकिंग सिस्टम। जब भी आरबीआई को महसूस होता है कि बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा है, तो आरबीआई क्या करता है, उस मनी को निकालने के लिए बैंक के सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनसे लेने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक्स उसको पैसा दें और उनके पैसा पास पैसे की कमी हो जाए। इसलिए वो रिवर्स रेपो रेट को एक टूल की तरह यूज करता है। व्हाई बैंक विल गिव लोन टू आरबीआई। अब बैंकें आरबीआई को क्यों देंगी लोन, उनको क्या जरूरत पड़ी है। देखिए दोस्तों, बैंक्स आरबीआई को जो लोन देती हैं उसमें खुश रहती हैं। उसका रीजन है कि पहली बात तो आरबीआई जो पैसा ले रहा है वो 100% अदा करेगा, इसका मतलब उनका पैसा जो है वो 100% सेफ है। ओके, अगर 100% पैसा सेफ है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट एनपीए हो नहीं सकता, इससे अच्छी बात क्या होगी। और इसके अलावा उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा सेफ है, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर एनी बैंक। इंक्रीज ऑफ रिवर्स रेपो रेट, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करेंगे, आरबीआई को देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जब बैंक्स को ज्यादा फायदा होगा तो वो आरबीआई को ज्यादा पैसा देना चाहेंगे। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमी के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, बैंक्स के लिए, आरबीआई के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि हम बैंक प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें रिटेन में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जीए के अंदर, हमें इंटरव्यू में तो पूछे ही जाएंगे, जो हमारा आरबीआई का डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें इम्प्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अभी रेपो रेट पे है, क्या रिवर्स रेपो रेट पे है, इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है दोस्तों, ये बदलता रहता है। मैं यही कहूँगा, जब भी आप एग्जाम के लिए जाएँ, इंटरव्यू के लिए जाएँ या जीडी के लिए जाएँ, किसी भी पर्पज से जाएँ, इन दोनों रेट्स को देख के जाएँ कि अभी जो प्रेजेंट में है वो क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों ही चेंजेबल रेट हैं। सो आई एम नॉट मेंशनिंग दिस इन दिस वीडियो दैट व्हाट इज द करेंट रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। अगला जो हमारा टॉपिक हम रखेंगे, उससे आगे के टॉपिक जैसे बैंक रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये सभी हम अगले नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप
आसान भाषा में दोनों ही टॉपिक्स को समझ चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे फेसबुक ग्रुप मैंने एक बनाया है चक दे विद नॉलेज सेम नाम से, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा, ये आपके लिए यूजफुल वीडियो है, तो दोस्तों आप लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक बार फिर से आऊँगा जो टॉपिक अभी डिस्कस किए CRR SLR, मेरा नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही मैं जारी करने वाला हूँ, आज ही और मोस्ट प्रोबेबली अभी। ओके दोस्तों, देखना ना भूलें उस वीडियो को भी। थैंक यू। और हाँ, एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर बैंक की नॉलेज की ज़रूरत ज़्यादा है, जिससे कि मैं उसी टॉपिक को लेके वीडियो बनाऊं, खास तौर पर इंटरव्यू के लिए जो बैंक की नॉलेज से संबंधित हैं। थैंक यू दोस्तों, चक दे।